हाय फ्रेंड्स, आप सभी के फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको बताऊंगा कि बोर्ड एग्ज़ाम में किस तरीके से आप कापी लिखोगे हिंदी का कि आपका पूरा में पूरा यहां पर नंबर मिल जाएगा। यहां पर देख सकते हो कि प्री बोर्ड परीक्षा 2022 कक्षा 10 विषय हिंदी का ये ओरिजिनल पेपर है, और जो आपका हिंदी का पेपर होता है 70 नंबर का होता है। और यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो पेपर है, यहाँ पे ये कापी यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये कापी है एकदम बोर्ड की, ये ओरिजिनल कापी है। और यहाँ पे इस कॉपी में एक स्टूडेंट ने 70 में 61 नंबर पाया है, लेकिन 9 नंबर नहीं पाया है, ठीक ना। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करूँगा कि इस स्टूडेंट का 9 नंबर कहाँ पर कटा हुआ है, ठीक ना। तो अगर आप बोर्ड एग्जाम में 70 स्कोर करना चाहते हो तो वीडियो शुरू से एंड तक देखो, और जो आपका एग्जामिनर कापी जांचता है तो क्या क्या देखता है, ठीक ना, वो सारी चीज़ों में यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू से एंड तक देखना, थोड़ा भी स्किप मत करना। और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मोहर लगता है, ठीक ना, और यहाँ पर नंबर यहाँ पर ऐड किया जाता है। सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलेगा पेपर जो कि बोर्ड का होगा, ठीक ना। और मैं यहाँ पर प्री बोर्ड परीक्षा जो अभी हुआ था हाल ही में, उसका मैं चर्चा कर रहा हूँ, और ये उसका ओरिजिनल पेपर है, ठीक ना। तो इस पेपर का ए टू जेड सॉल्यूशन इसी कॉपी के माध्यम से आपको मिल जाएगा, ठीक ना। तो शुरू से एंड तक देखना, और यहाँ पे मैं बताऊँगा कि इस स्टूडेंट ने क्या क्या गलती किया हुआ है अपने कॉपी में, आपको वो गलती नहीं करना है, ठीक ना। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में सारे बेल आइकन भी हिट कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या होता है, आपका जो पेपर मिलता है 3 घंटा का टाइम होता है, ठीक ना। सबसे पहले पेपर में यहाँ पर अपना नाम लिखना होता है, फिर यहाँ पे अपना रोल नंबर लिखना होता है, ठीक। और यहाँ पे पेपर को ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है, ठीक ना। यहाँ पे देखो, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, ठीक ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि सही कथन चुनिए, 4 कथन दिया गया है, इसमें 1 कथन सही है, सही कथन को चूज करना है। तो चलिए, इसका जो सही कथन है, संस्कृत के 4 अध्याय दिनकर की रचना है, सभी लोग जानते होंगे जो भी यहाँ पे प्री बोर्ड का पेपर देके आए होंगे। तो जो सही है, तो इसको देखो, ये स्टूडेंट ने कैसे लिखा है इसको समझते हैं। यहाँ पे देखो, ये बोर्ड की ओरिजिनल कॉपी है, और ये बोर्ड में देखो कैसे लिखेगा कि इसका थोड़ा भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक ना। यहाँ पे लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 1 क, ठीक, ये बात सही लिखा है, ठीक ना। इतनी चीज़ सही लिखा है, ब्लैक पेन का यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक ना। यहाँ पे लिखा है कि संस्कृत के 4 अध्याय दिनकर जी की रचना है, ठीक ना। यहाँ पे इसका फुल नंबर मिला है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ऑप्शन यहाँ पे उतार दिया है, सेम टू सेम कॉपी कर दिया, यहाँ पे 1 नंबर मिल गया। इसी तरीके से खंड यहाँ पे ख को देखते हैं कि किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखिए, 4 कृतियाँ दी गई है और एक रचनाकार का नाम लिखना है। तो यहाँ पे लिखा है ये प्रतीक्षा का, तो प्रतीक्षा का लिखा है, तो किसकी रचना है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, ये भी इसका सही है, ठीक है। इसको भी नंबर फुल मिल गया। अगला क्वेश्चन समझते हैं, भेंट वार्ता विधा के किसी एक लेखक का नाम लिखिए, तो किसी एक लेखक का नाम यहाँ पर लिखा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, यहाँ पर देख सकते हो डॉक्टर राम कुमार वर्मा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक ना। इस कॉपी में पूरा हम यहाँ पे बताएंगे कि लड़का कहाँ पे गलती किया हुआ है, ठीक ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सही लिखा हुआ है, ठीक ना। रेशमी टाइप किसकी, यहाँ पे देखो रेशमी टाइप किस विधा की रचना है, तो एकांकी विधा की रचना है, सही है। तो यहाँ पर इसका नंबर पूरा मिल गया, ठीक है। यहाँ पर देखो, खादी का अर्थशास्त्र किसकी रचना है, तो खादी का अर्थशास्त्र माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है, यहाँ भी ये 1 नंबर पा गया, ठीक ना। जहाँ पे गलती किया है उसको हम समझते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन, प्रयोगवादी युग के किसी कवि का नाम और उसकी रचना का नाम, तो प्रयोगवादी युग के किसी कवि का नाम लिखा है जयशंकर प्रसाद, और इसकी एक रचना का नाम तितली है, यहाँ भी इसको नंबर मिल गया पूरा में पूरा। आगे बढ़ते हैं, प्रगतिवादी युग की 2 प्रवृत्तियाँ लिखना है, तो प्रगतिवादी युग की 2 प्रवृत्ति यहाँ पे लिखा गया है, प्राचीन रूढ़ियों एवं मान्यताओं का विरोध और शोषित वर्ग के पीड़ा का चित्रण, तो यहाँ भी इसको 1 नंबर मिल गया, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए नंबर कहाँ पे कटेगा उसको समझते हैं, ठीक ना। जहाँ भी थोड़ा सा एग्जामिनर को लगेगा यहाँ पे आप स्पेलिंग गलती लिखे हो तो वहाँ पर नंबर काटेगा आपका, ठीक ना, तो वहाँ पर वो चीज़ नहीं करना है। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्नोत्तर संख्या 2 सरका का ग, छायावाद की 2 विशेषता लिखिए, तो छायावाद की 2 विशेषता रहस्य भावना और कोहरा की भावना, यहाँ भी 1 नंबर पा गया, ये नंबर सॉलिड पा रहा है, ठीक ना। तो आगे समझते हैं 3 सरका नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे देखो एक यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, और इस गद्यांश से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, 6 नंबर का गद्यांश आता है। सबसे पहले गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या करना है, ठीक ना, संदर्भ लिखना है, फिर प्रसंग, फिर व्याख्या, फिर यहाँ पे हमें किस प्रकार के प्रायोगिक के साथ नहीं रहना चाहिए। तो आगे देखते हैं, संदर्भ लिखा है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, बहुत ही अच्छा लिखा गया है ये कॉपी, ठीक ना।
इसी तरीके से आपको कॉपी में लिखना है, ठीक ना। प्रसंग भी लिखा गया बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक ना। लेखक का कहना है कि यहाँ पे जो भी लिखा गया है, देखो व्याख्या भी इसका बहुत ही अच्छे ढंग से लिखा गया है, ठीक ना। इसी तरीके से आपको क्या करना है, कॉपी में लिखना है। और हमें किस प्रकार के प्राणियों के साथ नहीं रहना चाहिए, तो यहाँ पे देख सकते हो ये लड़का, यहाँ पे देखो प्राणी यहाँ पे गलती लिखा था, ठीक ना। तो आपको क्या करना है, प्राणी इस चीज़ पे ध्यान देना, एग्जामिनर बहुत ही ध्यान देता है, ठीक ना। आगे हम देखते हैं कहाँ पे गलती किया हुआ है, ठीक ना। जहाँ पे गलती नहीं करेगा वहाँ पे पूरा का पूरा इसको नंबर मिलेगा, नंबर नहीं काटेगा। देखो जब भी आप भी अगर कोई भी कॉपी अच्छे से लिखते हो तो एग्जामिनर को आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं होती, आपका नंबर नहीं काटेगा। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। पद्यांश दिया गया है और इसका संदर्भ से व्याख्या करना है। धूरी भरे अति शोभित श्याम जी तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, इसको संदर्भ लिखना है फिर इसका व्याख्या करना है। तो देखो यहाँ पे संदर्भ लिखा है बहुत अच्छा बात, प्रसंग भी लिखा है बहुत अच्छा बात, और यहाँ पे व्याख्या भी कर दिया है। तो देखो संदर्भ भी लिख दिया, प्रसंग भी लिख दिया और व्याख्या भी कर दी, तो इसका नंबर कहाँ कटेगा बताओ, नहीं ना कटेगा। देखो यहाँ पे कितना अच्छा से लिखा गया काफ़ी कि काव्य सौंदर्य भी लिख दिया है। बहुत से बच्चे काव्य सौंदर्य नहीं लिखते हैं, ये काव्य सौंदर्य भी लिख दिया है, इसका पूरा में पूरा नंबर मिल गया, ठीक ना। चलिए अब आगे बात करते हैं। यहाँ पे जीवन परिचय लिखा गया है, किसी जीवन परिचय एवं रचनाएं लिखिए कोई एक का, तो ये लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। यहाँ पे देखिए रामचंद्र शुक्ल के यहाँ पे जीवन परिचय लिखा है बहुत ही अच्छे ढंग से। तो देखो जीवन परिचय में करना क्या होता है, सबसे पहले देखो एग्जामिनर अब यहाँ पे जो चीज़ें मेन होती हैं उसका यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक ना। यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है, ठीक ना। तो जितने भी यहाँ पे चीज़ें हैं उसको अंडरलाइन करेगा, ठीक ना एग्जामिनर। यहाँ पे देखो राम चंद्रावली शुक्ल की, यहाँ पे देखो इसका मेन, इनका जो डेट है वो याद कर लो जीवन का, फिर यहाँ पे मरने का डेट, ये जीवन में क्या क्या किए, कितनी पढ़ाई किए, ये सभी चीज़ आपको लिखना होता है। फिर यहाँ पे रचना लिखना होता है, ठीक ना। यहाँ पे देखो रचना लिखी गई है रश्मि मानसा, जो कि रामचंद्र शुक्ल की एक रचना है, तो किसी एक रचना का नाम लिखना होता है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना होता है फिर उनका रचना लिखना होता है, ठीक ना। तो ये लिखे हैं सुमित्रा नंदन पंत का, ब वाले का। तो यहाँ पे देखो रचना का यहाँ पे जीवन परिचय लिखा गया है बहुत ही अच्छे ढंग से, और साथ में इनका लिखा गया है यहाँ पे समझ सकते हो। देखो इनका यहाँ पे एक रचना का नाम भी लिखा गया है, तीन नंबर ये पा गए, ठीक ना। चलिए आगे आप समझते हैं हम कि ये कहाँ पे गलती किए हैं, इनको देखते हैं। तो देखिए ये बी कापी लिए हैं, ठीक ना, ये बी कापी लिए हैं, ठीक ना। चलिए यहाँ पे देखते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 6वां क्या बोला जा रहा है कि संदर्भ सहित अनुवाद करिए। सबसे पहले इसका संदर्भ लिखना है फिर इसका व्याख्या करना है। तो संदर्भ भी लिखे हैं, प्रसंग भी लिखे हैं, और यहाँ पे व्याख्या भी कर दिए हैं। तो जब इतनी चीज़ें करोगे तो आपका भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक ना। जब आप इतनी चीज़ें करोगे तो आपका नंबर भी नहीं कटेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा, मैं गारंटी देता हूँ। मैं खुद स्कोर किया हूँ अच्छा से अच्छा इस अंक, ठीक ना। मेरा खुद रिजल्ट आप चेक करोगे तो हाई स्कूल में 81.33 है, ठीक ना, उस ज़माने में, और यहाँ पे इंटर में 89.80, ठीक ना। बोलोगे तो मैं अपना रिजल्ट भी शो कर सकता हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक ना। चलिए आगे हम बात करते हैं कहाँ पे गलती किए हैं। जहाँ पे गलती करेंगे वहाँ पे नंबर इनका कट जाएगा, ठीक ना। तो देखो जब आप जोड़ोगे तो नंबर इनका कटता हुआ मिल जाएगा। देखो यहाँ पे देखो एक श्लोक लिखना है जो प्रश्न पत्र में नहीं आया है, तो श्लोक भी लिखे हैं 3 नंबर का, तो 3 नंबर मिल गया इनको, श्लोक लिखे हैं तो, ठीक। आगे समझते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन, किसी दो प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए, तो 2 का भी लिखा है तो 2 नंबर यहाँ पे मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए करुण रस, यहाँ पे देखो यहाँ पे इसका नंबर कटा हुआ है। देखो यहाँ पे लिखा गया है कि हास्य अथवा करुण रस की परिभाषा उदाहरण से स्पष्टीकरण करिए। ये तो लिखे हैं करुण रस का, लेकिन करुण रस का डेफिनेशन तो मान लीजिए यहाँ पे देखिए, किसी प्रिय व्यक्ति या मनचाही वस्तु के नष्ट हो जाने पर हृदय में जो भी शोक उत्पन्न होता है उसे करुण रस कहते हैं। ये करुण रस का ओरिजिनल डेफिनेशन नहीं है, लेकिन एग्जामिनर कॉम्प्रोमाइज़ किया है। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, एग्जाम्पल ये क्या दिया है, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ। ये यहाँ पे एग्जाम्पल इसका गलत लिखे हैं, तो यहाँ पे एग्जाम्पल पे नंबर कर दिया है, ठीक ना। यहाँ पे 2 नंबर ना देकर के इनको 1 नंबर मिला गया है। तो आपको जो भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है सिर्फ वही क्वेश्चन का जवाब दीजिए, उल्टा मत दीजिए, नहीं आ रहा है तो मत दीजिए, ठीक ना। फालतू लिखोगे तो नंबर एग्जामिनर काट देगा, दूसरा भी काट देगा, ठीक ना। तो फालतू आपको नहीं करना है। चलिए यहाँ पे देखो अलंकार के बारे में लिखा गया कि रूपक अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का परिभाषा देना है। तो ये दिया है रूपक अलंकार का। तो यहाँ पे जहाँ उपमेय में उपमान में भेद होता है तो वहाँ पे
ठीक ना, अभिन्नता डेवलप होती है, उत्पन्न होती है। तो ये रूपक अलंकार की परिभाषा सही लिखे हैं और साथ में इसका एग्जाम्पल भी सही लिखे हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल सही लिखे हैं तो इनका नंबर मिल गया पूरा का पूरा, ठीक ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए ग नंबर, सोरठा अथवा रोला का परिभाषा लिखे हैं, फिर उसका उदाहरण लिखे हैं, ठीक ना। तो सोरठा अथवा रोला, सोरठा को परिभाषित किया है ये और उदाहरण भी लिखे हैं और यहाँ पे बहुत ही अच्छे ढंग से लिखे हैं, इनका पूरा का पूरा मिल गया। अब यहाँ पे देखिए ये बनाया है उपसर्ग फिर प्रत्यय, यहाँ पे भी नंबर मिल गया, ठीक ना। तो आपको भी सेम टू सेम यहाँ पे वैसा ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे गलती देखो क्या यहाँ पे किए हैं, गलती यहाँ पे पकड़ते हैं इनका। देखो यहाँ पे समास का विग्रह जो किए हैं गलती तरीके से किए हैं, कैसे किए हैं, नवग्रह, नवग्रहों का समूह सही लिखे हैं, लेकिन समास का नाम ये गलती लिख दिए हैं। ये द्विग समास नहीं होगा, लेकिन ये यहाँ पे बहुव्रीही समास होगा, लेकिन समास का नाम भी नहीं पूछा है। लेकिन आप फालतू चीज़ें लिखोगे तो एग्जामिनर काटेगा नंबर, ठीक ना। जीवन मरण, जीवन और मरण, जहाँ पे और आ जाएगा वहाँ पे क्या होगा, द्वंद्व समास होगा, क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। ये भी गलती लिखे हैं, ये सही है, ठीक ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे नंबर कट गया इनका एक नंबर, तो ये आपको नहीं करना है, ठीक ना। एग्जामिनर जो जितना आ रहा है वही लिखो। फिर यहाँ पे देखो आँख का यहाँ पे परिभाषा लिखे हैं, नेत्र, धान का धन्य, ठीक ना। ये क्या किए हैं, तत्सम तत्व बनाए हैं। यहाँ पे देखो परिभाषा लिखा गया है, सूर्य का रवि दिवाकर, कमल का अंबुज सरसी, ठीक ना, ये भी सही है, नंबर मिल गया। यहाँ पे प्रति का यण संधि, ये सही है, लेकिन यहाँ पे देखो वृद्धि संधि नहीं है, यद्यपि का ये यण संधि है, तो यहाँ पे नंबर इनका कटा हुआ है, ठीक ना, यहाँ पे नंबर इनका कटा हुआ है। इस तरीके से मधु का यहाँ पे पूछा था कि मधु का यहाँ पे तृतीय विभक्ति द्विवचन में मधु भ्याम होता है, तो यहाँ पे सही है, तो इनका दो नंबर मिल गया। सही लिखोगे तो नंबर मिल जाएगा, ठीक ना। पठानी के यहाँ पे पट धातु से यहाँ पे रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आया था कि यहाँ पे देखो पठानी का लकार पुरुष और वचन बताना था, तो ये सही सारी चीज़ें लिख दिए तो नंबर इनका मिल गया। लेकिन यहाँ पे देखिए अनुवाद करना यहाँ पे कुछ करके, ठीक ना, अनुवाद करना, अनुवाद किए तो नंबर मिल गया। देखो यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान पे ये क्या लिखे हैं, ये लिखे हैं निबंध, ठीक ना। तो निबंध लिखने का सही तरीका इन्होंने अपनाया है, ठीक ना। जब सही तरीका आप अपनाओगे तो नंबर पूरा में पूरा मिलेगा। देखो यहाँ पे इनका तो नंबर पूरा में पूरा यहाँ पे पाँच का पाँच नंबर मिल गया। तो सबसे पहले देखो जब भी लिखोगे निबंध उसमें चार पाँच हेडिंग बनाना, सबसे पहले परिचय, फिर स्वच्छ भारत अभियान से लाभ, फिर ठीक उसका यहाँ पे उपसंहार, ठीक ना। इस तरीके से आप लिखोगे तो नंबर पूरा का पूरा यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे लास्टवा प्रश्नोत्तर संख्या में देखो ये जो पूछा गया है कि तुमुल खंडकाव्य के आधार पर मेघनाथ का चरित्र चित्रण करना है, तो हर जिले का ये अलग अलग होता है, ठीक ना, ये हर जिले का अलग अलग होता है। तो जिस जिले से बिलोंग करते हैं वो उसी जिले के बारे में लिखना है। तो कवच कुंडल वाला लिखे हैं जो कि यहाँ तीन नंबर का आता है। तो इस तरीके से अगर आप कापी लिखते हो तो तीन का तीन नंबर यहाँ पर मिल गया इनका। तो टोटल आप जोड़ोगे तो यहाँ पे देखो टोटल जब इनका आप जोड़ोगे तो ये 61 नंबर पाए हैं, और कहाँ पे गलती किया मैंने बता दिया है, ठीक ना, बहुत ही अच्छे ढंग से। इस तरीके से आप कापी लिखोगे जहाँ पे मैंने गलती बताई उस गलती को सुधार कर लोगे तो आप 70 में 70 भी स्कोर कर सकते हो, ठीक ना। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।